हेलो दोस्तों अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आई एम आरुक और हम लोग एमसीक्यूज करेंगे जर्नल इंग्लिश पार्ट टू हम लोगों ने पार्ट वन में uh, कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था बेस्ड ऑन जर्नल इंग्लिश सो हम लेकर आए हैं पार्ट टू ठीक है इसमें हमने इंक्लूड किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एफ डबल एग्जामिनेशन और इस तरह के एग्जामिनेशन में से भी कुछ पार्ट को जो जर्नल इंग्लिश में आया था उसको हमने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम हम स्टार्ट करते हैं <coughs> ठीक है, आई जस्ट होप मेरी आवाज आप लोगों के लिए को क्लियर आ रही होगी बिकॉज आई वेरी बैड बैड सो आई एम जस्ट क्लियरली मैं बोल उतना क्लियरली बोल सकूँ। सो so, पहला जो सेंटेंस आपको दिख रहा है बाय नेक्स्ट मंथ आई डैश ऑल माई एग्जाम बात हो रही है दोस्तों फ्यूचर की ठीक है भविष्य की बात हो रही है क्योंकि नेक्स्ट मंथ आने वाला है आएगा भविष्य की बात हो रही है और एक एक्शन को डिनोट हो रहा है जनाब जो कंप्लीटेड एक्शन है और जब बात फ्यूचर की हो और जब बात कंप्लीटेड एक्शन की हो एक होती है कॉन्टिन्यूस एक्शन होना तब हम कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं ठीक है एक होती है कंप्लीटेड एक्शन की जब बात होती है तो हम परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट 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 टेंस को इस्तेमाल करते हैं तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्यूचर की और हम क्या लगाएंगे क्योंकि कंप्लीटेड एक्शन है फ्यूचर में कि मैं नेक्स्ट मंथ एग्जाम कंप्लीट कर लूंगा ठीक है और मैं उसके बाद मोज करूंगा रिलैक्स करूंगा सो so, ये लग रहेगा लगेगा लग रहा है अच्छा लगेगा सॉरी मुझे लगता है एंटीबायोटिक्स का असर हो गया है अच्छा ये लगेगा फ्यूचर परफेक्टेंस ठीक है क्योंकि भविष्य की बात हो रही है और कंप्लीटेड एक्शन जैसे मैंने कहा तो कौन सा टेंस यहाँ पे एक्ट रहेगा so, कर दो will be finishing नहीं बन सकता इसे भी इलिमिनेट कर दो विल फिनिश को भी इलेमिनेट कर दो सो नेक्स्ट मंथ आई विल रिलैक्स एक कंप्लीटेड एक्शन है और फ्यूचर की बात हो रही है सो so हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर सी विल हैव फिनिश्ड के साथ। ठीक है जी चलो आगे बिकॉज ही डिड didn't कंप्लीट वर्क इन टाइम अब इस सेंटेंस में क्या करना है आपको मैंने ये जो वर्ड्स को अंडरलाइन किया है आपको मुझे बताना है क्या ये वर्ड बिल्कुल दुरुस्त है ठीक है या इनके साथ कुछ खराबी है और अगर कुछ खराबी है तो क्या खराबी है वो आइडेंटिफाई आप लोगों को करना है सो so, जो मैनेजर था वो बहुत नाखुश है गौरव के साथ बिकॉज उसने अपना टाइम पर काम कंप्लीट नहीं किया है अब मैनेजर ना खुश है गौरव के साथ और इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों एट तो एक इंसान के साथ ना एट नहीं इस्तेमाल हो सकता एक इंसान के साथ विद इस्तेमाल हो सकता है कि उसके साथ कोई चीज हुई है एसोसिएशन में हुई है तो विद इस्तेमाल हो सकता है एट नहीं इस्तेमाल हो सकता है एक इंसान के साथ सो हैड अनहैप्पी एट ये तो बिल्कुल ही नहीं दुरुस्त है इसको तो क्रॉस कर दो वॉज टू बी अनहैप्पी एट कोई सेंस नहीं बन रही क्रॉस हो जा नो no इंप्रूवमेंट नहीं इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है मैनेजर वॉज अनहैप्पी विद द राइट आंसर टू दिस इज ऑप्शन नंबर सी ठीक है वॉज अनहैप्पी विद चलो नेक्स्ट के साथ एक विश बताई है कि मैं रहना चाहता हूं उन्नीस सौ शताब्दी में इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सा इस्तेमाल होगा? एक तो विश बताई है ठीक है उसके लिए उसने वुड इस्तेमाल किया है तो क्या लगता है कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा इसमें तो दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं जब आपके आगे टू लग जाए ठीक है जब टू वर्ड का इस्तेमाल होता है तो दोस्तों टू के साथ टू के साथ हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है तो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी इसके साथ हैव बीन लिव्ड ये तो क्रॉस ही कर दो लिव्ड नहीं लग सकती ठीक है क्योंकि मैंने बोला फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हैव लिव्ड भी नहीं लग सकता इट विल बी द ऑप्शन नंबर डी लिव आई वुड लव टू लिव इन द the right इज द राइट आंसर Chalo दिस स्टेटमेंट चलो नेक्स्ट यू कैन स्विम वेल और क्वेश्चन पूछ रहा है उससे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है क्या तुम तैर सकते हो अच्छे से और आगे से खुद ही उसमें पूछ रहा है कि मतलब कंफर्म करने की कंफर्मिटी के लिए पूछ रहा है तैर सकते हो ना so, क्या लगता है कि क्या कौन सा इस्तेमाल होगा इसमें कैन यू यू कैन स्विम विल कैन यू या यू कैन स्विम विंट यू यू कैन स्विम विन स्विम विल डोंट यू तो एक चीज का याद रखना जहां पे मोडाल इस्तेमाल हुआ ठीक है कैन स्विम इसी का नेगेटिव लगेगा आगे इसी का जो निगेटिव होता है वही आगे लगता है इसी मोडाल का निगेटिव आगे लगता है ठीक है एप्रोप्रिएट आंसर टू दिस स्टेटमेंट विल बी यू कैन स्विम विल डैश तो लगेगा जराबे आली इसके साथ कांट्यू so, आप करेंगे बी पार्ट टिक क्योंकि मैंने जैसा बताया कि जो मोडाल इस्तेमाल हुआ है स्टेटमेंट में उसी का <coughs> नेगेटिव लगेगा आगे वाली स्टेटमेंट पर ठीक है जी चलो नेक्स्ट अच्छा प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू सेंड योर लेटर एट माय एड्रेस एट माई एड्रेस तो अंडरलाइन कर रही हूं मैं ये एट माई एड्रेस आपको मुझे बताना है ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रही है आपकी स्क्रीन पर क्या यह बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है एट माई आट माई आता है एड्रेस ऐसे ही बोलना चाहिए क्या इसको कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है इन माई एड्रेस हो सकता है नहीं यार इन तो होता है किसी चीज के अंदर नहीं लगा सकते ऑन माई हो सकता है ऑन माई हो सकता है कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि अगर मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करूं ट्रांसलेट करूं तो मेरे पते पर आ, भेज देना मेरे पते पर भेज देना मतलब ये जो लेटर है तो आप लगा सकते हैं मतलब अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेशन की बात करूं तो पर ऑन हो सकता है पर बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं है आप ऑन भी कैंसिल कर देंगे नो इंप्रूवमेंट इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है सो दुप्रिएट आंसर टू दिस इज आपने एप्लीकेशन एप्लीकेशन देखी है? को जब भी हम नोट डाउन करते हैं हम उसके पहले टू लगाते हैं फिर हाँ तो टू क्यों लगाते हैं क्योंकि जब हम एड्रेस के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो टू लगता है ठीक है किसी चीज को जब एड्रेस करा जाता है तो टू लगता है राइट सो so, जब भी एड्रेस की बात हुई कि मेरे ये जो द, ये लेटर है ये मेरे एड्रेस पे भेज देना तो टू लगेगा टू माय एड्रेस राइट ऑन माय एड्रेस नहीं लगेगा टू माय एड्रेस लगेगा चले नेक्स्ट के ऊपर हाउ डिड दिस डैश ब्रोकन अगर तो रूल के साथ आप रूल्स क्लियर हैं इंग्लिश ग्रामर के तो एक चीज जरूर क्लियर होगी कि जब दोस्तों बात होती है डिड की ठीक है जनाब जब बात होती है डिड की तो लगेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क क्लियर है हा सो हाउ डिड दिस डैश ब्रोकन तो क्या आएगा गेट ठीक है जी गेट क्योंकि मैंने बोला डिड के साथ लगता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क तो फर्स्ट फॉर्म कौन सी है गेट सो so, इसको इलिमिनेट कर दीजिए इसको इलिमिनेट कर दीजिए इसको इलिमिनेट कर दीजिए सो इट विल बी गेट सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन चलो नेक्स्ट की तरफ टेक अ सैंडविच विद यू डैश यू गेट हंग्री लेटर अपने साथ सैंडविच ले जाओ क्या लग सकता है क्या पता तुम्हें भूख लग जाए बाद में सो सो एज नॉट यू गेट हंग्री लेटर का कोई सेंस नहीं बन रहा टेक अ सैंडविच विद यू जब तुम हंग्री होंगे बाद में मतलब जब वो हंगरी हो जाएगा फिर वापस आएगा सैंडविच लेने के लिए तो इसका भी कोई सेंस नहीं बन रही वेन को भी हटा दो हंगली हंगरी सैंडविच विद यू डैश यू गेट हंगरी इफ यू गेट हंगरी लेटर इफ नहीं लग सकता ठीक है कंडीशन है टेक अ सैंडविच विद यू अपने साथ सैंडविच ले जाओ केस अगर ऐसा हुआ कि तुम्हें तो भूख लग जाए तो तुम वो सैंडविच कंज्यूम कर सकते हो सो टेक अ सैंडविच विद यू इन केस यू गेट हंगरी लेटर सो इट विल बी ऑप्शन नंबर ए चले नेक्स्ट सुष्मिता इज वरिड डाज द टेस्ट बिकॉज यू थिंक दैट शी विल फेल द टेस्ट सुष्मिता वरिड है डैश टेस्ट के लिए मतलब टेस्ट के लिए वो वरिड है क्योंकि उसको लगता है कि वो फेल हो जाएगी टेस्ट में तो क्या लगता है कौन सा एपोप्रिएट वर्ड लगेगा इसमें सुष्मिता इज वर्ड ऑफ द टेस्ट नहीं ऑन द टेस्ट ऑन कैसे होगा टू द टेस्ट एड्रेस थोड़ी कर रहा है किसी चीज को सुष्मिता टेस्ट के बारे में वर्ड है तो जब बारे में वर्ड आ रहा है दोस्तों तो लग रहा है सुष्मिता इज वर्ड अबाउट द टेस्ट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन अबाउट द टेस्ट सुष्मिता so, टेस्ट के लिए वार है क्योंकि उसको लगता है वो फेल हो जाएगी टेस्ट में सो सोटोप्रिएट वर्ड जो लगेगा दोस्तों वो लगता है अबाउट चलो नेक्स्ट शुभम इज वन डैश माय बेस्ट फ्रेंड सो इन सब बेस्ट फ्रेंड में से शुभम एक बेस्ट फ्रेंड है मेरा सो so, जब हम ऐसी कोई वर्ड सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं वन डैश काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ तो कौन सा हम प्रपोजिशन इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों सो so, इन नहीं हो सकता इन बेस्ट ये लॉजिक सेंस है ना ऑन नहीं इस्तेमाल कर सकते सो वर्ड इज ऑफ शुभम इन सब बेस्ट फ्रेंड में से एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड राइट चले नेक्स्ट की तरफ आई वॉज लेट डैश फॉर स्कूल मैं स्कूल के लिए लेट हो गया खुद ही यहाँ पे लगा दू सॉरी so हुआ सो आई वॉज लेट ये होगा फॉर सो दी पार्ट जो ऑलरेडी मैंने मेन्शन कर चुकी हूँ सो आई वॉज लेट फॉर स्कूल मैं स्कूल के लिए लेट हो गया हूँ या हो गई हूँ लेट टू स्कूल नहीं आ सकता लेट ऑन स्कूल नहीं आ सकता इट इज लाइक किसी चीज के लिए आई एम आई वॉज लेट फॉर स्कूल ठीक है जी चले नेक्स्ट वन बीट द एयर बीट द एयर एक ईडियम है ईडियम माने मुहावरा है आपको बताना है कौन सा अप्रोप्रिएट मीनिंग है इस मुहावरे का सो बीट द का क्या मतलब होगा टू मेक यूजलेस एफर्ट्स टू बीट मोसे बीट है तो बीट मोसेलेसली क्या इस्तेमाल होगा

एफर्ट्स करना सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन टू स्टेटमेंट चले नेक्स्ट की तरफ इसमें से एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं मतलब ये वन वर्ड है आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ड है जो अपोप्रिएट है इस जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसको डिस्क्राइब कर रहा है सो so, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है अ पर्सन जो बेचता है फ्लावर्स को फ्लावर्स को या फ्लावर्स को मेंटल प्लांट so, उसे हम क्या कहते हैं सो so, बंदा जो बेचता है फ्लास्क को और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों उसको हम कहते हैं फ्लोरिस्ट ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर तो यूसर हम किसको कहते हैं यूसर हम कहते हैं कि जो मनी uh, लेंड करता है एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट उसको कहते हैं कंपेयर हम उसे कहते हैं जो एंटरटेन करने के लिए होस्टिंग करता है गार्नर उसे कहते हैं जो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को ठीक है सो फ्लोरिस्ट वो होता है जो फूल बेचता है राइट right? चलो आपको सिनोनिम बताना है इस अल्फाज का is, क्या होती है दोस्तों सिनोनिम हाँ एट्रोसिटी क्या होती है दोस्तों एट्रोसिटी होती है बहुत ज्यादा जुलम करना तशद करना किसी के ऊपर एट्रोशियस बिहेवियर बहुत ज्यादा जुलम करना राइट right? सो so, एट्रोसिटी को कौन सा इसमें से वर्ड जो फॉलोइंग वर्ड्स वो डिस्क्राइब कर रहे हैं डिफिकल्टी सिनोनिम नहीं हो सकती एट्रोसिटी की शाय मतलब शर्माना वो एट्रोसिटी का नहीं हो सकता ग्लूमी मतलब ग्लूमी सा वेदर ना मतलब डिप्रेसिव वेदर है सैड एंड ग्लूमी ठीक है तो ग्लूमी भी नहीं एट्रोसिटी का सिनोनिम हो सकता एपोप्रिएट तो अपोप्रिएट जो वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है और सिनोनिम क्या होते हैं दोस्तों सिनोनिम होते हैं प्रायवाचिशा अंग्रेजी हिंदी में इसे प्रायवाची कहते हैं अंग्रेजी में इसे सिनोनिम कहते हैं तो एट्रोसिटी का सिनोनिम कौन सा है बारबेरिटी जिसको बारबरस एटीट्यूड या बारबरस एक्शन भी आप कह सकते हैं वो एक्शन जो बहुत ज्यादा जुलम को डिनोट करती है ठीक है बारबरस एट्रोशियस बिहेवियर नेक्स्ट इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड है जिसका स्पेलिंग करेक्ट नहीं है क्या लगता है कि कौन सा वर्ड है जिसका स्पेलिंग इसमें से करेक्ट नहीं है फोफिट गोरेला ब्लिसफुल या सो so किसका स्पेलिंग खराब है इसमें से फोफिट का स्पेलिंग बिल्कुल दुरुस्त है इसे टिक कर दो गोरेला का एनिमल है इसे भी करेक्ट है इसका स्पेलिंग करप्ट भ्रष्टाचार भ्रष्ट इंसान करप्ट का भी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है तो जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है दोस्तों वो है ब्लिसफुल ब्लिसफुल में ना सिंगल एल आएगा बी एल आई एस एफ एफ यू एल सिंगल एल आता है डबल एल नहीं आता सो ब्लिस इज द करेक्ट आंसर ठीक है जी नेक्स्ट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इस चीज के लिए एक इंसान जो स्किल्ड है इन कंबाइनिंग मोमेंट्स इन टू डांस वो डांस की फॉर्म में मोमेंट्स को डिस्क्राइब कर सकता है उस इंसान को हम क्या कहते हैं उस बंदे को हम क्या कहते हैं जो स्किल्ड है इस चीज में मतलब वो डांस को मतलब मोमेंट्स को कंबाइन कर सकता है किसी भी चीज को मतलब कोई भी चीज उसको बतानी है टू द ऑडियंस तो वो क्या करेगा थ्रू डांस स्टेप्स वो उस चीज को उन एक्शंस के थ्रू उस चीज को बताएगा बिफोर द ऑडियंस वो रखेगा सो so, कौन सा ऐसा इंसान है जो स्किल्ड होता है कंबाइनिंग मोमेंट्स इन टू डांस टू बी परफॉर्म्ड कैलीग्राफर वो होता है जो कैलीग्राफी करता है ठीक है राइटिंग इन आर्टिस्टिक वे लिखता है तो कैलीग्राफर नहीं हो सकता क्यूरेटर भी नहीं हो सकता आपने सुना होगा कोरियोग्राफर हाँ कोरियोग्राफर कोरियोग्राफर so right जैसे टेरेंस हो गया या गीता माँ हो गई अगर आप वो शो देख रहे हैं ये कोरियोग्राफर्स ही है ना uh, सबसे अच्छी मुझे वो कोरियोग्राफर uh, याद नहीं आ रही है uh, सरोज आई गेस या शी वॉज अ वेरी गुड कोरियोग्राफर सो दीज आर समयोग्राफर्स सोरियोग्राफर्स वो होते हैं जो स्किल्ड होते हैं इन कन्वर्टिंग वोमेंस इन टू डांस फॉर्म सो नेक्स्ट आज आता है आप बताएंगे ये जो फॉलोइंग से एडजेक्टिव क्या है so जनाब आप आप मुझे बताएं बताएं कि इनमें से क्या है, आप बताएं, adjective होता क्या है? है? होता वो words होते हैं हैं जो बताते किसके नाउन ऑफ अ नाउन एंड अ प्रोनाउन ठीक है जो नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं उसे उन वर्ड्स को उन अल्फाजों को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं सो so इसमें से कौन से एडजेक्टिव आपको दिख रहे हैं इज ए कार्नेशन नहीं यार वेगन ये खुद एक नाउन है इसे भी इलेमिनेट कर दो वोन एक खुद एक नाउन है इसे भी इलेमिनेट कर दो हम कहते हैं ना इज अ फुलिश बॉय मतलब हम उस लड़के की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो बेवकूफ इंसान है अ ब्यूटिफुल गर्ल हम उस लड़की की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं अ ब्यूटिफुल इज द एडजेक्टिव ओवर हियर सो so, जो एडजेक्टिव है इन वर्ड में से वो है आपका फुलिश दैट इज ऑप्शन नंबर ए क्योंकि ये वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है क्वालिटी ऑफ अ नाउन एंड अ प्रोनाउन की चले रॉन्गली करेक्टली uh, पहले तो हमने रॉन्गली बताया था इसमें से बताना है कि कौन से ठीक स्पेलिंग है वर्ड के जिसका नाम होता है एक्नॉलेज एक्नॉलेज करना मतलब सहारना सो ही डि ग्रेट जॉब एंड वाइस प्रेजिडेंट रियली एक नॉलेज हिज वर्क हा द स्टूडेंट रियली एक नॉलेज ऑफ अ टीचर जो वो नहीं करते अक्सर बट एक नॉलेज होता है किसी भी एफर्ट किसी भी चीज को सहारना ठीक है उसे एक नॉलेज कहते हैं हम लोग सो so, आपने बताना है ये जो अल्फाज है इसका राइट स्पेलिंग क्या है क्या इसकी स्पेलिंग ये है नहीं बिल्कुल नहीं क्या इसके स्पेलिंग ये है वट यू थिंक यहाँ पे ना दो स्पेलिंग मुझे बिल्कुल ठीक करेंगे ऑटो करेक्ट है खुद किया हुआ है मैंने इसमें कुछ नहीं किया हुआ है तो इसमें होना चाहिए एनओ एलईडी डी इसमें डी क्रॉस कर लेना हाँ या e कर लेना तो ये एक्चुअली होना चाहिए ए के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ऐसा कुछ होना चाहिए तो ये भी नहीं है एक नॉलेज ठीक है ये भी नहीं है एक नॉलेज सो एक नॉलेज सहारना

आप मुझे बताएंगे सिनोनिम सिनोनिम मतलब प्रायवाची वर्ड जो है उसका नाम है इसेंशियल इसलिए मतलब जरूरी बहुत एयर इज वेरी इसेंशियल फॉर ह्यूमन वॉटर इज वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूम इसल बहुत जरूरी राइट सो इसेल का सिनोनिम मतलब डिफरेंट वर्ड विद सेम मीनिंग आपने बताना है इसेंशियल नीडलेस तो नहीं हो सकता सुपरफ्यूस भी नहीं हो सकता इनसिग्निफिकेंट होता कि ये तो जरूरी नहीं है तो इनसिग्निफिकेंट भी नहीं हो सकता सिनोनिम ऑफ एसेंशियल जो है वो होता है इंडिस्पेंसिबल ये राइटफुल सिनोनिम है एसेंशियल का ठीक है आप किसी भी चीज को जब कहते हैं कि वो बहुत जरूरी है आपके लिए एसेंशियल है आप ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज द इंडिस्पेंसिबल थिंग चले आगे वी ले ये आगे आर्टिकल्स के साथ डील करते हुए वी ले ऑन डैश ग्रास एंड वॉच द स्टार्स हम ग्रास पर लेटेंगे और स्टार्स को देखेंगे अगर स्टार्स दिखेंगे इतनी पॉल्यूशन में तो देखेंगे चलो वी ले ऑन डैश ग्रास एंड वॉच द स्टार्स कौन सा अपोप्रेट आर्टिकल है जो लगेगा ए एंड दी और इट लॉजिकली ए लगता है कॉन्सोनेंट के साथ और जी ए कॉन्सोनेंट है, है. हाँ वॉवल और कॉन्सोनेंट क्लियर है कितने वॉवल है इं, इंग्लिश लैंग्वेज में पांच है ए आई ई यू इसके अलावा जितने भी अल्फाबेट है वो क्या है जनाब वो कॉन्सुनेस है so, A, लगता है के साथ ये जी जरूर बट हम ना एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं मतलब जो घर के बाहर आपका जो ग्रास है जो गार्डन है जिसके ऊपर ग्रास लगी है हम वहां लेटेंगे और हम लोग सितारों को वॉच करेंगे तो जब आप किसी प्रॉपर चीज को डिनोट करते हो या प्रॉपर चीज के ऊपर इशारा करते हो वो होता है उसके साथ लगता है आर्टिकल दी ठीक है सो द राइटफुल आर्टिकल जो इस सेंटेंस में लगेगा चलो नेक्स्ट एंटनियम बताना है इस वर्ड का जिसका नाम है मेटिकुलस एंटनियम सिनोनिम हो गया एंटनियम हो गया विलोन ऑपोजिट वर्ड बताना है वर्ड है मैटिकिलस मैटिकलस कोई भी चीज करने का मतलब होता क्या मैटिकलस वर्ड का मतलब क्या होता है कोई भी चीज है जब आप बहुत परफेक्शन के साथ और बहुत बारीकी के साथ करते हैं तो वो होता है मैटिकलसली ठीक है तो आपको एंटोनियम बताना है बताना है मैटिकलस का पंक्टिलस diligent और ये सारे हैं। मतलब ये सेम मीनिंग है जो मतलब होता है मैटिकलिस का सिर्फ केयरलेसनेस ये ना केयरलेस ऑपोजिट है

He scum to injuries. वो मर गया इंजुरी से ठीक है एंड एंड मतलब टॉलरेंस मतलब, किसी चीज को टॉलरेट करना ठीक है सो द राइट फुल ऑफ दिस वर्ड इंडियोर एज टॉलरेट किसी भी चीज को टॉलरेट करने को हम इंडियोर भी कहते हैं राइट right?

So, blessing in disguise का मतलब क्या होता है कि सुना भी होगा कुपे को लत पड़ी और उसका कुप सीधा हो गया सुना होगा नॉर्मल uh, तो मतलब आपको लगता है कि बहुत बुरी है पर चीज ना तो बहुत अच्छी हो जाती है वो आपके फायदे के लिए हो जाती है ठीक है सो वो अ ब्लेसिंग इन डिस्काइ का मतलब होता है अ गुड थिंग जो पहले तो बहुत बुरी लग रही होती है बट एक्चुअली आपके लिए अच्छी चीज ही होती है आपके लिए अच्छा होती है सो दैट इज दी इज द राइट आंसर अब आपने मुझे बताना है इसमें से ऑफुल जो वर्ड होता है उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है ऑफफुल का मतलब होता है वेरी बैड वेरी ऑफफुल हैंड राइटिंग जो मेरी है ठीक है ऑफफुल वेरी बैड राइट सो आपने मुझे बताना है इसका जो करेक्ट स्पेलिंग ऑफफुल का क्या है दोस्तों क्या ये करेक्ट स्पेलिंग इसका ये है नहीं फनाफल थोड़ी है ऑफफुल इज इट दिस ए डब्ल्यू एफ यू एल एल या इट इज ए डब्ल्यू ई एफ यू एल सो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ आवफुल इज ए डब्ल्यू एफ यू एल एल नहीं सो so इसमें भी क्या होता है जैसे ब्लिसफुल की तरह ऑफ फुल में भी ना आपको एक ही एल इस्तेमाल करना होता है सिंगुलर एल रहेगा तो दैट इज ऑफ चले नेक्स्ट की तरफ कंजंक्शन क्या होते हैं दोस्तों आपको कंजंक्शन इस्तेमाल करना है इस सेंटेंस में कंजंक्शन होते क्या नहीं कंजंक्शन को हम ज्वाइनिंग वर्ड भी कहते हैं एड हो गया फोर हो गया ऑफ्टर हो गया वो दो सेंटेंस उसको जोड़े आपस में जब हम बिंदु को हटा दें इस डॉट को हटा दे ठीक है फुल स्टॉप को हटाकर किसी भी दो सेंटेंसेस को अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने की कोशिश करें उसे हम ज्वाइनिंग वर्ड या कंजक्शन कहते हैं तो आपके सामने जो सेंटेंस है वो है आई आस्ट हिम टू गो एंड डैश माई वॉच जाओ और मेरी घड़ी को ढूंढो तो दैट इज एंड लगेगा दैट इज वेरी सिंपल सिंपल है ये सो द बी इज द राइट आंसर आई आज हिम टू गो एंड फाइंड माई वॉच चलो आगे आपने बताना इन अल्फाजों में सेनोनेटिक मैथॉडिकल या बाई चांस रेंडम होता है यार रेंडमली कोई चीज हो जाना बाई चांस हो जाना तुमने कोई प्लान नहीं किया होता कोई मैथोड कोई फॉलो नहीं किया होता तुम्हारा कोई भी मकसद नहीं होता बट रेंडमली वो चीज तुम्हारी हो गई होती है बाई चांस ठीक है कोई like, कोई था नहीं मतलब भी कह सकते हैं मतलब कोई लॉजिक मतलब था नहीं कि उसके मिलने का को कोई चांस था पर randomly में मिल गया, so मैथॉटिकल नहीं होगा इसमें systematic नहीं हो methodical नहीं होगा, होगा इसमें बाय चांस इज द राइट वर्ड रेंडम नेक्स्ट मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स वो अटैक डैश दे जब तक आप उन्हें उकसाओगे नहीं तब तक वो अटैक नहीं करेंगे

ओके okay. <laughs> अच्छा आपने डिक्शनरी के हिसाब से बताना है डिक्शनरी तो बचपन में देखी होगी ना ऑक्सफर्ड की नहीं भी देख ली तो देख लो डिक्शनरी के हिसाब से बताना है कि वर्ड कैसे सीक्वेंस में लगेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डबल यू एक्स वाई एंड जी ठीक है जी यस दैट वूट्स यू सो ये है डिक्शनरी के अल्फाज राइट इंग्लिश लैंग्वेज के ये अल्फाज है इनमें से नॉबल्स है पांच और बाकी कॉन्फेंट है आपने इन वर्ड्स को उसी के अकॉर्डिंगली उसी के तरीके से अरेंज करना है ये एक है ये दो है ये तीन है चार है ये पांच है अब यी यी तो सब में कॉमन है तो ठीक है ये नहीं होगा एन ए सी डी एंड डी एन तो बाद में आएगा क्योंकि एन तो कहीं जाकर यहां पे एम एन सॉरी एन तो यहां पे है तो पहले आपका सेकंड आ जाएगा तो सेकंड वाले ऑप्शंस कौन से इसको इलिमिनेट कर दो सेकंड वाले ऑप्शंस हैं ये 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 ठीक है फिर उसके बाद ए के बाद सी आएगा ना सी आएगा क्योंकि बी तो नहीं है सी आएगा तो आ जाएगा टू थ्री तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आपके पास टू थ्री इसको इलिमिनेट कर दो तो, ये दो बच गए टू थ्री ठीक है सी के बाद सीधा डी आएगा ठीक है डी राइट अब फोर में भी डी है five में भी D है अच्छा आई भी दोनों में सिमिलर है टी भी दोनों में सिमिलर है बट आई आ जाता है आई और ओ आप देखें आई आता है पहले या ओ पहले आता है आई पहले आता है so, कौन सा राइट हो गया आपका जनाब टू थ्री फोर फाइव एंड वन क्योंकि आई पहले आता है और ठीक है हाँ टू थ्री फोर फाइव एंड वन सो ये हो गया आपका करेक्ट ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ठीक किया ना मैंने वैसे हाँ टू थ्री e I टी आई ओ एन ई डी आई टी ओ आर ठीक है फोर फाइव वन राइट सो सी इज द राइट आंसर ऐसे ही आपने करना है इसी लॉजिक से करना है ठीक है ये पहली बार अटेम्प्ट कर रहे थे इसीलिए मैंने थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश की

ये भी नहीं बन सकता इसको भी इलिमिनेट कर दो डी है ई e है एम है ओ है एन कहीं भी नहीं है इसको भी इलिमिनेट कर दो सो so, इसमें आर भी है ई e भी है ए भी है डी भी है वाई भी है रेडी वर्ड बन सकता है डेमोक्रेसी से सो दिस इज द राइट आंसर इसको ऐसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को कि कौन सा वर्ड एक फॉलोइंग से बन सकता है तो आपने देखना है कि कौन से अल्फाबेट्स में है और उन्हीं अल्फाबेट्स में से से कौन सा वर्ड का मीनिंग बन रहा है है और उसको आप टिक करेंगे ठीक जी चलो फिर एडजेक्टिव की बात हो रही है फिर से रिवाइज करते हैं एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं वो अल्फाज होते हैं जो किसी की क्वालिटी को किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं सो so आपने बताना है इनमें से फॉलोइंग वर्ड्स में से कौन से एडजेक्टिव हैं दोस्तों केक नहीं एडजेक्टिव है दोस्तों एंग्री एन एंग्री मैन ठीक है सो एंग्री गुस्सा सो दैट इज एन एडजेक्टिव जो क्वालिटी बता रहे हो एक नाउन एन प्रोडाउन सो दिस इज ऑल फॉर टुडे हमने इस वीडियो में कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है कुछ हमने नए तरीके से भी क्वेश्चंस किए हैं जो आते हैं और हमने उनका एक वे आउट भी ढूंढा है आई जस्ट होप की जो लेक्चर सीरीज है आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी एंड आई होप आप लोग भी कंसिस्टें होंगे सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज वायरल चल रहा है एंड स्टे हाइड्रेटेड स्टे अवे फ्रॉम यंक फूड एंड आई जस्ट होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है टेक केयर एंड बाय बाय थैंक यू